हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होता है। ओके, तो हम इस टॉपिक का नाम रखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक है कि कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है। तो चलिए, सबसे पहला ये कि नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करना हो, लोन पेयर, तो उसके लिए है इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम पे अगर हमें लोन पेयर फाइंड करना हो तो उस एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट एटम, जिस एटम को हम कंसीडर करेंगे कि उस पर लोन पेयर कितना होगा, उस एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसी एटम का इलेक्ट्रॉन की वो स्ट्रक्चर में उसके पास कितने, मतलब बॉन्डेड फॉर्म में उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो, ये सबसे पहले तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मेरे पास एक एटम है, जैसे ले लो लिथियम, क्या चीज़, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1। तो यहाँ पे देखो, ये जो नंबर शो करता है इस कॉन्फ़िगरेशन में, ये बताता है नंबर्स, ये जो नंबर शो कर रहा है वो नंबर क्या बताता है, सेल नंबर के बारे में, सेल नंबर के बारे में कि वो कौन से सेल में है। जैसे मेरे पास लिथियम एटम है, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस, इसके अराउंड एक सेल, ये क्या, फर्स्ट सेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये रहा सेकेंड सेल, तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड सेल ड्रॉ करूँगा, सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश किया, ये सर्कल मेरे से इतना ऐसा ही सर्कल बनता है। तो इस सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर शो करता है वो बताता है कि ये फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल, ये नंबर शो करता है सेल नंबर। तो फर्स्ट लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, इसका मतलब ये पहला सेल है, ये 2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये दूसरा सेल है, ओके। और ये जो नंबर दिखता है, ये नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सब, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट में, तो सुपर स्क्रिप्ट का जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बोल रहा है वन सेल वन, ये नंबर शो क्या कर रहा है कि सेल वन है, ये सेल वन है, और ये जो नंबर है इसके ऊपर पावर में, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सुपर स्क्रिप्ट वाला नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस सेल वन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किया यहाँ। अब यहाँ पे देखो, ये नंबर 2 बता रहा है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट वाला नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर क्या शो करेगा, ये सेल नंबर शो करेगा। तो ये क्या है, सेल नंबर सेकेंड। तो ये रहा सेल नंबर सेकेंड, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इस सेल का सुपर स्क्रिप्ट में कितना नंबर है, 1, इसका मतलब इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं एटम को, ये कॉन्फ़िगरेशन देखकर। और ये जो S दिख रहा है, ये S का मतलब, यहाँ पे जो S या तो P, D या F लिखा हुआ नजर आएगा, ये होता है सब सेल। ये क्या होता है, सब सेल बताता है कि वो कौन सा सब सेल है। तो यहाँ पे S है, इसका मतलब सब सेल S है, ठीक है। तो इस सेल में देखिए, मेरे पास इस एटम में देखिए, लिथियम एटम में कितने सेल हैं, 2 सेल है, 1 और 1 बाहर वाला 2। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे जानना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस का मतलब क्या होता है, वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। क्या होता है, आउटर मोस्ट। तो अगर हम बात करें वैलेंस
के बारे में बोलें कि वैलेंस सेल कौन होगा, वैलेंस सेल कौन होगा, तो वो वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट, ये रहा आउटर मोस्ट, और ये सेल का मतलब हुआ सेल, आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाला। तो ये रहा एटम का न्यूक्लियस, ये सबसे अंदर होगा, फिर उसके बाहर ये वाला सेल और उसके बाहर वाला ये वाला सेल। तो सबसे बाहर वाला सेल कौन सा दिखा, सबसे बाहर वाला सेल कौन सा दिखा, ये वाला, ये जो सेल है ये सबसे बाहर प्रेजेंट है। तो ये जो सेल है वो कौन सा सेल है, सेकेंड सेल। तो ये सेकेंड सेल क्या कहलाएगा, सेकेंड सेल जो क्या कहलाएगा, वैलेंस। तो इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन। तो इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वन। तो आपको समझ में आ गया हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल में, मतलब बाहरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और एटम अराउंड दैट एटम, मतलब जिस एटम पे हमें लोन पेयर फाइंड करना है, उस एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी हम एक एग्जांपल में समझ लेगा। तो उससे पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट, और मैं इतने पार्ट को हटा देता हूँ, ये रहा क्लियर। और फिर मैं यहाँ से आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो मेरा फॉर्मूला आया, ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी एटम पे, अगर किसी भी एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसमें माइनस कर दीजिए कि उस एटम के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये रहा एक एग्जांपल, वो है H2O मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, वाटर, वाटर, और वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ऐसा कुछ। देखो हमें निकलना है सबसे पहले इस हाइड्रोजन पे लोन पेयर, इस हाइड्रोजन पे लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम पे लोन पेयर निकालेंगे, तो हाइड्रोजन एटम के क्या चाहिए मुझे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अराउंड, इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो यहाँ पे कि जो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, कि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना शेयर करता है, तब जाकर दो बॉन्ड बनता है। यहाँ पे भी सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, तब ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस हाइड्रोजन एटम को देखो, इस मॉलिक्यूल में, इस हाइड्रोजन एटम को देखो, तो इस हाइड्रोजन एटम में क्या दिख रहा है, ये ऐसा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन में गया, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का किसका है, ऑक्सीजन का, और इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये रहा ऐसा कुछ पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्या होता है, वन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वन होता है, ये याद रखना, ठीक है। और हाइड्रोजन का अराउंड कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन के इस सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा वन। तो कितना है लोन पेयर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, जीरो। तो जीरो लोन पेयर है, तो इसे दो से डिवाइड कर दो, तो जिसे दो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो हाइड्रोजन पे यहाँ पे जीरो लोन पेयर है, ठीक है। वैसे ही दूसरे हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन पर, ये इस हाइड्रोजन का हमने लोन पेयर निकाल लिया, अब इस हाइड्रोजन का लोन पेयर निकालते हैं। तो इस हाइड्रोजन का जब हम लोन पेयर निकालेंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन एटम वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम पे माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन एटम, ये है फॉर्मूला लोन पेयर निकालने का, ठीक है। तो बताओ हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वन, माइनस इस हाइड्रोजन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस सर्कल में हाइड्रोजन के अराउंड एक ही दिख रहा है, तो वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो को दो से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो लोन पेयर, ओके। तो
ये दोनों हाइड्रोजन का तो निकल गया, लोन पर क्या है, जीरो है। अब इस ऑक्सीजन एटम का निकालते हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, तो वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की तरह, ऑक्सीजन एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है 6 माइनस, वो अभी मैं बता दूंगा, अभी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है, और माइनस ऑक्सीजन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में, तो इस सर्कल येलो वाले सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये पिंक वाला और एक ये पिंक वाला, कितने हैं 2। तो ये 2 से जब माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 4। अब इस 4 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आया 2 लोन पेयर। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल वाटर मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। और ये दोनों लोन पेयर किसका लोन पेयर है, ऑक्सीजन एटम का, किसका है, ऑक्सीजन एटम का, हाइड्रोजन एटम पे लोन पेयर नहीं है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट देखा जाता है, ये कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन ये बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन, और यहाँ एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे और एक यहाँ लोन पेयर ऑक्सीजन पे। तो लोन पेयर को कुछ ऐसा सर्कल से हम लोग ऐसे लॉब से दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा वाटर का स्ट्रक्चर कंप्लीट, और इसमें कितने लोन पेयर 2। ठीक है, तो अब बात आई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हमें सबका याद करना पड़ेगा, तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद करने का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में याद करना है, तो उससे पहले ये एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल देखो, पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और एक फ्रांसियम। यहाँ पे होता है मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम नहीं होता है यहाँ पे, पहले बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और यहाँ पे होता है रेडियम। ठीक है, ये मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला ग्रुप देखो तो ये ग्रुप मिलेगा, ये कुछ ऐसा। ये रहा मेरा पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब मैं पी ब्लॉक ड्रॉ करूँगा, तो पी ब्लॉक में आता है सबसे पहले बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, फिर उसके बाद आता है कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बरम। कार्बन की बात आता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकन, टेलेरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और एस्टेटिन के बाद आता है नोबल गैस, ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन ए जी नहीं, आर्गन है ए आर होता है, आर्गन ए आर, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडोन। तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये रहा पी ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है, पर आप ये समझ लेना ये सारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबसेल में जाता है, और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर करता है, इंटर इन पी सब सेल, पी सब सेल में इंटर करता है, और इनका जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स
इन एस सबसेल, एस सबसेल, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट और ये एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट ये जो है फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये सेकेंड एस ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, सेकेंड एस ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, और ये पी ब्लॉक जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट पी ग्रुप, ये वाला फर्स्ट पी ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक है। तो इसे मैं पीरियोडिक टेबल का एक लुक देता हूँ, ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल का। तो ये देखो, फर्स्ट पी ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट का होता है 4, थर्ड का 5, फिर कंसेक्यूटिवली 6, फिर 7 एंड 8, ये 8 होता है नियोन के नीचे वाले का और ये 2 होता है सिर्फ हीलियम का, ठीक है। तो ये याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सारे एलिमेंट, जैसे मान लो आर्सेनिक में पूछ रहे हैं कि आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आर्सेनिक एटम को देखो कि आर्सेनिक एटम कहाँ पे है, तो आर्सेनिक एटम यहाँ है, तो इस आर्सेनिक एटम के ऊपर क्या लिखा हुआ, 5, यानी इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे तुमसे पूछ दिया जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ कितना होता है, तो ये देखो जर्मेनियम यहाँ है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाओ क्या है 4, तो जर्मेनियम का क्या होगा 4। वैसे ही अगर पूछ लिया स्ट्रॉन्शियम का, तो स्ट्रॉन्शियम के ऊपर जाना क्या है 2, तो स्ट्रॉन्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इस तरह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में, नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे निकालें। तो चलिए एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है, ठीक है, मैं इसे येलो कलर यूज़ करता हूँ। सेकेंड एग्जांपल है NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 मॉलिक्यूल को देखो, NH3 को हम क्या, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, नाइट्रोजन ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में, ये नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं एंगल पे, ठीक है। तो ये रहा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ईच बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखना, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में एक नाइट्रोजन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा, ये बॉन्ड भी क्या है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, तो एक नाइट्रोजन का होगा और एक हाइड्रोजन का। इस बॉन्ड में भी देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड है, इसमें भी एक नाइट्रोजन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। तो हम सारे एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन निकाल देते, इस बॉन्ड में क्या दिख रहा है एक हाइड्रोजन का है, इस बॉन्ड में भी क्या दिख रहा है एक हाइड्रोजन का है, इस बॉन्ड में भी क्या दिख रहा है एक हाइड्रोजन का है। और नाइट्रोजन की जहाँ तक बात करें तो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन का देखा जाए तो इस बॉन्ड में एक नाइट्रोजन का है, इस बॉन्ड में एक और नाइट्रोजन का है, इस बॉन्ड में एक और नाइट्रोजन का है, और ये रहा नाइट्रोजन के पास। तो देखते हैं फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे ऑन हाइड्रोजन एटम, तो इस हाइड्रोजन एटम का हम निकालते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर LP लोन पेयर, ठीक है। तो क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, जिस एटम का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन एटम के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए ये पीरियोडिक टेबल पे वापस जाते हैं, ये रहा पीरियोडिक टेबल पे, हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन के ऊपर नंबर क्या है 1, तो हाइड्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तो वापस नीचे जाते हैं, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस, अब इस हाइड्रोजन का अराउंड कितना दिख रहा है, इस सर्कल में कितना दिख रहा है 1, तो ये रहा 1, कितना आया 0, 0 को अब जो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 लोन पेयर हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे। वैसे ही इस हाइड्रोजन पे निकालते हैं, तो इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस इसके अराउंड कितना 1, क्या आया 0, तो 0/2 इक्वल्स टू 0 लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम पे। अब इस हाइड्रोजन एटम पे निकालते हैं, तो उस हाइड्रोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 माइनस इसके अराउंड इस सर्कल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1, तो 1 माइनस 1 0, अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 लोन पेयर, ठीक है। अब लास्ट बचा नंबर ऑफ, एक और एटम बचा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम पे निकालते हैं। तो नाइट्रोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन एटम,
नाइट्रोजन एटम के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम वापस देखते हैं, पीरियोडिक टेबल जो हमने ड्रॉ किया था एक छोटा सा, ये रहा नाइट्रोजन एटम कहाँ है, यहाँ। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या दिख रहा है, फाइव, यानी नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फाइव। तो वापस हम जाते हैं उस फार्मूले पे, नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव माइनस नाइट्रोजन का अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के इस ग्रीन सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, एक दो और एक तीन, तो तीन इलेक्ट्रॉन कितना आया, टू। अब इस टू को डिवाइड करना है टू से, तो क्या आएगा, वन लोन पेयर। नाइट्रोजन पे कितने, वन लोन पेयर। ये इन सारे हाइड्रोजन, इन तीनों हाइड्रोजन पे लोन पेयर कितने हैं, जीरो, और नाइट्रोजन पे कितने हैं, वन। तो टोटल इस मॉलिक्यूल, ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना, वन। और वो वन लोन पेयर जो है, ये किसका लोन पेयर है, लोन पेयर किसका है, लोन पेयर वो नाइट्रोजन एटम का है। तो इस अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर देखो, जो देखा जाए तो ये होता है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक लोन पेयर नाइट्रोजन, तो ये होता है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करते हैं किसी भी एटम पे। चलो एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ नंबर ऑफ लोन पेयर पे, और वो है H2SO4, एक H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इस सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह, S डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन इधर से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इस तरह से H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोला, कि जैसे ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, ये जो बॉन्ड है सल्फर ऑक्सीजन के बीच है, तो इस बॉन्ड में क्या होगा, एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है, तो एक ऑक्सीजन का होगा और एक हाइड्रोजन का। इस बॉन्ड में देखो, डबल बॉन्ड में, इस डबल बॉन्ड में क्या है, एक और एक दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, और ये एक और एक जो दो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर का होगा। वैसे इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सल्फर का, और दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन का। इस बॉन्ड में देखो सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सल्फर का, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। इस बॉन्ड में देखो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, इसलिए एक हाइड्रोजन का और एक क्या होगा, ऑक्सीजन का। तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं हर एक एटम के बीच, ठीक है। तो ये रहा हाइड्रोजन के बीच, ये रहा हाइड्रोजन के बीच, एक ही इस बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का है, इसलिए एक सर्कल में। इस बॉन्ड में दो ऑक्सीजन का है, इस बॉन्ड में दो ऑक्सीजन का है, और इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में एक ऑक्सीजन का, और इस बॉन्ड में भी एक ऑक्सीजन का, तो ये रहा। और इस ऑक्सीजन का देखा जाए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, और सल्फर का देखते हैं, ठीक है। तो सल्फर के अराउंड देखो, ये वाला दो सल्फर का, यहाँ से एक सल्फर का, यहाँ से दो सल्फर का, और यहाँ से एक सल्फर का, ये रहा सल्फर के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम इस नंबर दे देते हैं, ये रहा एक दो तीन चार पाँच छः, और सल्फर को हम सिक्स नंबर देते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन वन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे हम लोन पेयर देखते हैं। तो लोन पेयर के लिए क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे, ऑक्सीजन एटम पे, माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑक्सीजन एटम। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, ये पिक्चर में वापस जाते हैं, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिया है, सिक्स, तो ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं सिक्स, ये रहा सिक्स, माइनस ऑक्सीजन के अराउंड इस स्ट्रक्चर में, इस वाले ऑक्सीजन का इसके स्ट्रक्चर में कितना दिख रहा है, एक और एक दो, तो सिक्स माइनस टू इक्वल्स टू फोर। अब फोर को डिवाइड कर देंगे टू से, क्या आएगा, टू लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है। अब देखते हैं इस सेकेंड ऑक्सीजन पे, तो सेकेंड ऑक्सीजन पे देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मैंने देख लिया था सिक्स, माइनस इसके अराउंड कितना दिख रहा है, एक और एक दो, तो कितना आया फोर, तो फोर डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू टू लोन पेयर उस ऑक्सीजन पे भी। अब ऑक्सीजन नंबर फोर पे देखते हैं, तो ऑक्सीजन फोर पे देखेंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्सीजन का, सिक्स, माइनस इस ऑक्सीजन के अराउंड कितना, इस ऑक्सीजन के अराउंड फोर, कौन सा ऑक्सीजन नंबर फोर, ये रहा ऑक्सीजन, इसके अराउंड कितना,
एक और एक दो इलेक्ट्रॉन्स, ये टू इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हुआ, फोर, फोर अपॉन टू से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, टू लोन पेयर। अब देखते हैं लोन पेयर ऑक्सीजन फाइव पे, ऑक्सीजन फाइव पे तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स होता है, माइनस इस ऑक्सीजन फाइव पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, कितना टू, तो क्या हुआ फोर, तो फोर को अब दो से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, टू लोन पेयर, तो सारे ऑक्सीजन पे निकल चुके। अब बचे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सिक्स पे देखते हैं, मतलब ये वाला हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैंने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, ये रहा हाइड्रोजन, इसके ऊपर वन लिखा हुआ है, वन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे वापस लिखते हैं वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक, वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, जीरो अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो लोन पेयर। ओके, इस हाइड्रोजन एटम पे देखते हैं, तो हाइड्रोजन नंबर थर्ड पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होता है, और इसके अराउंड कितना दिख रहा है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, तो वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो लोन पेयर। अब देखो नेक्स्ट बचा सल्फर, तो सल्फर सिक्स, इस सल्फर पे देखते हैं, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो देखते हैं हम लोग, सल्फर यहाँ है, सल्फर यहाँ है, तो सल्फर के ऊपर जाओ कितना नंबर दिख रहा है, सिक्स, तो ये सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर का, सल्फर पे सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिक्स माइनस, सल्फर के अराउंड कितना दिख रहा है, ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार, पाँच और एक छः, तो सिक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो लोन पेयर सल्फर पे। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर हैं, एक लो, टोटल कितने लोन पेयर हैं, ये रहा टू लोन पेयर, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ इसे रेड, ठीक है, यहाँ पे दो लोन पेयर, प्लस दो लोन पेयर यहाँ, दो लोन पेयर यहाँ, दो लोन पेयर यहाँ, तो टोटल टू फोर सिक्स एंड एट लोन पेयर, टोटल कितने हैं, एट लोन पेयर एच टू एस ओ फोर में, किस में, एच टू एस ओ फोर में। ओके, यानी एच टू एस ओ फोर का अगर स्ट्रक्चर देखो लोन पेयर वगैरह सब दिखाते हुए, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये रहा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे कितने हैं, दो लोन पेयर, अभी मैंने निकाला था, ये रहा दो लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर, तो ये रहा दो लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर, सारे ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर मिला था, दो लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे भी दो लोन पेयर है, ये रहा दो लोन पेयर, ठीक है, और किसी पे लोन पेयर नहीं था, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है एच टू एस ओ फोर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ एच टू एस ओ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड फाइंड करने समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो आप और भी इलेक्ट्रॉन्स और भी मॉलिक्यूल्स पे ट्राई कीजिएगा, जैसे मेरे पास है BH3, इस BH3 पे आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि कितना नंबर ऑफ लोन पेयर है, अगर नहीं बने तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि ये नहीं बना, तो मैं इसे वापस से बना दूंगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।